अंतर मन में ज्योत जला ले। ध्यान की, प्रेम की दीपिका जला ले। अंतर मन में ज्योति जला ले। होगा दूर अंधेरा, बहुत गहन अंधेरा है अंतस का, पल भर में विदा होता है जब तेरी सुरती का दिया जलता है, जब मेडिटेशन माइंड में घर कर जाती है, तो तू मास्टर होकर के, मालिक होकर के आता है। अंतस मन में ज्योति जला ले। अंतर मन में ज्योति जला ले। होगा दूर अंधेरा। कर ले प्रभु का ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। अंतर मन में ज्योति जला ले। होगा दूर अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जला ले। कौन हो तुम, कहाँ से आए, जिज्ञासा है जीवन की। कौन हो तुम, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। अंतस ध्यान के द्वारा अपना विरद तुम पहचानो, विरद तुम पहचानो। अंतर्मुखता की पथ पर तुम पालो अपना बसेरा। होगा दूर अंधेरा। पालो अपना बसेरा।
राज्य चक्र में प्रवेश कर लेना, अपने दशम द्वार की किवड़िया खोल के देख लेना, अवसर मिला है आविष्कार कर लेना अपने अस्तित्व का, चूकना नहीं, जागे जागे अपनी ओर देखते रहना इस संगीतमय वाइब्रेशंस में, अपने भीतर को वाइब्रेट कर लेना। अंतस का स्नान, अंतस की सफाई, अंतस की क्लांजिंग प्रभात में, प्रातःकाल में बहुत अनमोल अद्वितीय परम घटना है। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, भीतर के खोजी दीवाने मस्तान है, अपनी थर्ड आई को, अपने शिव नेत्र को, अपनी सुरति द्वार को जगमगाती रहता है, उसी से कनेक्टेड रहता है। सुख शांति आनंद मस्ती का भंडार है जो जो सदा स्वास्थ्य शांति शक्ति प्रदान करता है, वो स्रोत तेरे पास थर्ड आई के रूप में, शिवनेत्र के रूप में, देखने की क्षमता में, देखने के पोटेंशियल में छिपा है। बाहर देखने का जैसे आपको सुख लगता है, महासुख है अपने भीतर को देखना। लगातार मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, मेडिटेशन है डायरेक्ट वाचिंग प्रोसेस, डायरेक्ट वाचिंग विल हेल्प यू टू बी थॉटलेस वन डे, टू बी फ्री फ्रॉम द माइंड वेरी सून इफ यू मेडिटेट रेगुलरली, इफ यू कीप लुकिंग ऑन इनसाइड कंटिन्यूसली। सहज सरल साधारण होकर के बस स्वाभाविक रूप में अपनी ओर जागे रहना, तनिक मात्र भी कोशिश नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस नहीं करना, बल्कि माइंड को डायरेक्टली वॉच करना। लगातार सहज सरल साधारण होकर के वही देखना जो हो रहा है, मनस्थल पर जो जो भी घटना घटित हो रही है, तुम जागे जागे देखते रहना बहुत सहज, तनिक मात्र भी कोशिश नहीं करना देखने की, देख ही रहे हो आप, बहुत स्वाभाविक रूप में देख रहे हो। बाहर की पलके मूंदते ही तुम्हारा देखना शुरू हो जाता है, उद्घाटित होता है देखना बहुत नेचुरल वे में। अंधेरा ही अंधेरा है, उसी को देखते रहना, सन्नाटा है अनुभव लेते रहना उसी स्थिति का, अपनी ओर से कोई कल्पना कोई इमेजिनेशन नहीं, तनिक मात्र भी इमेजिन नहीं करना, सब इमेजिनेशंस माइंड की है, तेरी नहीं। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, रिमेंबर इट। तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो, अकर्ता हो, अपने स्वभाव में आ जाना, तुम माइंड नहीं हो, तुम माइंड को देखने वाली महाशक्ति दृष्टा साक्षी चेतन हो, अर्थात तुम देखने वाले हो, बहुत साधारण रूप में तुम देखने वाले हो। आप देखते रहना, अपने स्वभाव में रहना, मन के स्वभाव में बार बार खो जाते हैं हम, तुम बार बार लौटना, माइंड का स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ करने की आदत है उसको, वो एक पल के लिए नहीं शांत हो सकता, वो करता ही रहता है, तुम खाली बैठे हो तो भी टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन क्रिएट करता रहता है, वह पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलता रहता है, ये उसका स्वभाव है, आपने उसको कुछ कहना नहीं, वो अपने स्वभाव में है, तनिक मात्र भी उसे सुप्रेस नहीं करना, समझाना नहीं, बल्कि उससे हट जाना। तो माइंड नहीं हो,
स्मृति सुरती बनी रहे, ये याद बनी रहे, तुम देखने वाली दृष्टा साक्षी अकर्ता हो। यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी, यू आर एन ऑब्जर्वर ओनली, सिंपली वॉच ऑब्जर्व वट एवर हैपनिंग बिफोर यू इन साइट, यू सिंपली वॉच, वॉच इट। बस सहज में आप देख ही रहे हो, देखने की कोशिश नहीं करना, आप देख ही रहे हो। ये देखना स्वाभाविक रूप में डवेलप हो जाए तो मालोमाल हो के आओगी, कोई कमी तेरे सुखद स्वस्थ जीवन में नहीं रहेगी। मौन पूर्वक मुदित भाव में जाके जाके देखते रहना, अपनी खोज तलाश में रहना। पीटर विचारों की भीड़ में तुम कहाँ हो, तुम स्वयं अपनी आंख से देख लेना, कहाँ हो तुम? क्या उस भीड़ में भीड़ों की तरह विचारों की तरह ही हो गए हो, या कहीं कोई अस्तित्व तुझको अपना कहीं भासता है? कहीं हो आप? अपने को खोजना, अपने को तलाश लेना, अपनी खोज कर लेना, कौन हो तुम भीतर? माइंड ही माइंड हो या कहीं मास्टर भी हो? सवाल उठाना अपने प्रति ये जिज्ञासा बहुत अनमोल, बहुत कीमती, बहुत गजब की है। लगातार जागे जागे देखते रहना, बहुत बड़े साहस, बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी शूरवीरता है। यहाँ यूं ही खाली बैठ करके मन के हाथ लगना, तमस निद्रा प्रमाद पिरोना, ये देखना नहीं है, ये देखना गलत है, ये देखना नहीं है, ये तो मन के हाथ लगना है, देखना है जागे जागे, मन की गति को, विचारों की गति को देखता रहना, अपने अंधेरों को देखता रहना। देखने मात्र से विदा होता है, जो जो नहीं चाहिए, जो जो नेगेटिविटी पैदा करता है वो सब अपने आप विदा होता है। जैसे चोर को देखते ही चोर भागता है, ऐसे माइंड को देखते ही माइंड भाग खड़ा होता है। इसका बिखराव, भटकाव, स्कैटरनेस तनिक मात्र भी नेगेटिव ना लेना, पॉजिटिव लेना। इट्स अ पॉजिटिव स्टेट। ध्यान का तीर मन की छाती पर जब लगता है तो वो बिखरता है, भटकता है, चहुं ओर भागता फिरता है, टिक नहीं पाएगा। आज तक इसने हमारी संपदा को लूटा है, सुरती की संपदा लूटा है, अब इसका थोड़ा भान करा देना कि यू आर नॉट माय मास्टर। शांत मौन मुदित भाव में स्वाभाविक रूप में देखते रहना। जब तुम्हारे पास अंतर्मुखता है, अंतस का खजाना है, अंतस ध्यान है, सुरति है, तो इस संसार में तुम्हारे जैसा स्वस्थ इंसान आखिरी दम तक दुनिया में दूसरा कोई नहीं। स्वस्थ सुखद बनाने के लिए मेडिटेशन उतरा है, मेडिटेशन एन रियल साइंस एन रियल मीनिंग एन रियल अप्रोच। इट्स नॉट ए कॉन्सेंट्रेशन, इट्स नॉट ए मेंटल पीस। मेडिटेशन है अपने स्वभाव को जगमगाना, अपनी सुरति को जगमगाना, जो खो गया है उसे पुनः खोज लेना, जो लुट गया है उसे पा लें, स्वयं सर्वप्रथम लौटा लेना, जो मन के हाथ लगा है थोड़ा उससे वापस ले लेना। ये एकमात्र एडवेंचर, चैलेंज, साहस और हिम्मत बाबा के सानिध्य में बैठ करके वाइब्रेशन पिरो लेना। वाइब्रेशन इज एन एनर्जी, साहस और हिम्मत का खजाना है, जी भर करके इसको उपलब्ध कर लेना। वाइब्रेशन जहां जहां होगी, अंतस ध्यान निरंतर डेवलप होता जाएगा,
बाहर की तरह भीतर का देखना भी उसी तरह स्वाभाविक होता जाएगा। वाइब्रेशन के दौर में भी, वाइब्रेशंस के एटमॉस्फेयर में, वाइब्रेशंस के आलम में, एकमात्र जागे पुरुषों के सानिध्य संगति में ये जीवन दिशा मिलती है। जीवन यात्रा पर एडवेंचर उठता है। जीवन की खोज, जीवन की तलाश, जन्म के पश्चात एकमात्र तेरा धर्म है, एकमात्र तेरी नियति है, अल्टीमेट गोल है। जागो रे सोने वालो, जागो रे सोने वालो, मन के हाथ लगे हुए, मन की गोदी में सोए, उस सोए जन्म ना गुजर जाए। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन दुखी करता है, मेरा मन बहुत बहुत बिखरा रहता है, मेरा मन में शांति नहीं। आपका बोलना दर्शा रहा है कि यू आर नॉट ए माइंड, मन हमारा है, हम मन नहीं हैं। हमरा होकर के दुखी होता रहे, हमरा होते हुए ये रोगी होता रहे, रुगण होता रहे, इसका मतलब इसके प्रति हमारी अप्रोच सही नहीं, अप्रोच सही नहीं इसके प्रति। अप्रोच डायरेक्ट होनी चाहिए। मेडिटेशन इज अ माइंड मैनेजमेंट, डायरेक्ट अप्रोच। माइंड इज अ डिजीज, डिजीज इज माइंड। हमें बीमारी के प्रति अवगत होना है, सावधान होना है। बीमारी है माइंड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बीमारियां नहीं है। क्रोध, एंगर, रिएक्शन बीमारी नहीं है, ये तो लक्षण है। ये लक्षण बता रहा है कि हम बहिर्मुखी हो गए हैं, हम माइंड के हाथ लग गए हैं, अहंकारी अभिमानी हो गए हैं, इगोइस्टिक हो गए हैं, हम बहिर्मुखी हो गए हैं, हम माइंड के गुलाम हो गए हैं। ये सब लक्षण हैं। इन लक्षणों का इलाज नहीं किया जाता, बीमारी का इलाज किया जाता है। बीमारी है माइंड। आज इलाज शुरू हो गया, उद्घाटित हो गया, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। माइंड की तमाम दिशाओं से अवगत हो जाओगे। माइंड की बीमारी से तो सदा के लिए आज़ाद हो जाओगे। माइंड को आज़ाद कर दोगे, माइंड को भी ट्रांसफॉर्म कर लोगे, रूपांतरित कर लोगे। माइंड का कल्याण तो होगा ही मेडिटेशन से, साथ साथ अपना भी होगा, हम मास्टर हो जाएंगे। माइंड दो को जन्म देता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा ही नहीं पैदा होता, माँ भी पैदा होती है। ठीक इसी तरह मेडिटेशन के आलम में केवल तो ही नहीं जगता, तेरे माइंड की भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो अभी जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाता है, वो भी ड्यूअलिटी से, सदा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। वो तेरे अंतर्गत हो जाता है, वो भी एनलाइटेंड हो जाता है। माइंड की एनलाइटनमेंट, माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन ही मेडिटेशन है। तेरे अनुकूल, तेरे अनुसार कर देना है हमने माइंड को। घर तो बना रहा है अपनी ओर, घर तो साहस और हिम्मत जुटा है। महाराज तीन तीन घंटे बैठते हैं, दो दो घंटे बैठते हैं, कछु होता तो नहीं, क्या होना है, कछु होना है, कछु एक्सपेक्ट करता हो, कछु भीतर बनना नहीं है, भीतर तो होना है, होगा। लगातार कितना कितना कचरा पिरोया है तूने, इसको खाली करने के लिए चाहे चार चार घंटे बैठ, तीन तीन घंटे बैठ, दो दो घंटे बैठ, ना भी बैठ, चलता फिरता अवेयरनेस को संभाल। जरूर एक दिन ये अंधेरी, ये डस्ट, ये कचरा विदाज होगा। साहस पूर्ण लगे रहना। बाहर की दुनिया में तो थोड़ा सा छोटा सा स्टेटस पाने के लिए दिन रात लगे रहते हो तो अभी कभी कभी सफल होते हो, कभी नहीं, कि तो भीतर गारंटी है। अगर लगे रहोगे अपनी और, घर खड़े रहोगे अपनी और, घर तुम तैनात रहोगे तो हम गारंटी देते हैं कि जरूर एनलाइटन होके आओगे, जरूर अपने विराट अस्तित्व में जगमगाते हुए आओगे, नूरो नूर होके आओगे। हम आए हैं, गारंटी देता है। जो भी भीतर की राह पर गया है,
खाली हाथ नहीं लौटा, भरपूर हाथ आया है, बशर्ते कि वो सिंसेरली ऑनेस्टली कॉन्स्टेंटली हिम्मतवार होकर के एडवेंचरस होकर के उतरे, ना कि कदम उठाया और पीछे मुड़ गए। जब जीवन फलित होने को आता है तो भटकाव बहुत गहरा होता है। उस समय भटकाव को संभाल लेना, उस समय भटकाव से बच लेना, उस समय भटकाव के प्रति बहुत ज्यादा अवगत होना, भटकाव के प्रति क्या क्या इलाज है अपना आप सौंप देना, मन के हाथ लग करके फैसले मत करना, अपना माइंड अपने मुर्शिद को सौंप देना, मास्टर को दे देना, भटकाव नहीं आएगा, भटकाव आता है। ओ सिकंदर, तो इतनी ही थोड़ी कृपा कर मुझ पे, थोड़ा बीच में से हट जा, मुझ और सूर्य के बीच मत आने दे। आप सोचोगे बाहर के सूर्य की बात कर रहा है, नहीं, वो फकीर भीतर के सूर्य की बात कर रहा है। ओ सिकंदरों के सिकंदर, एक बार हट जा, क्योंकि एक पल के लिए मेरा ध्यान तेरी और बाहर आया तो मेरा भटकाव शुरू हो जाएगा। अभी मैं बहुत निकट हूँ अपने विराट के, अपने अस्तित्व के, अपने मालिक के, अपने होने के, अपनी एग्जिस्टेंस के अंतर्गत बिल्कुल उतर रहा हूँ, तो थोड़ा कृपा करके हट जा, अभी तेरी सेवा नहीं चाहिए मुझको। जैसे ही चलता चलता भीतर की ओर बढ़ता बढ़ता ये जीवन उपलब्ध होने लगता है, अपने आप में खिलने लगता है, उस समय भटकाव जोरों पर आता है। ये मार्गदर्शन तुझको और अधिक उत्साहित करेगा और अधिक बचाए रखेगा। उस वक्त भटकना ना, उस समय माइंड के हाथ ना लगना, उस समय माइंड की किसी भी बात को, किसी प्रकार की भी चालाकी चतुराई के हाथ ना लगना, हाथ लगना तो अपने मास्टर के हाथ लगना, सदा के लिए भगवत्ता की मूर्ति बन जाओगी। जो भी भीतर गया सब भरपूर हाथ आया, और जिसने बाहर खोजा वो खाली हाथ सिकंदर की तरह विदा हुआ, उसके हाथ नहीं लगा, जीवन उसी के हाथ लगता है जो भीतर की ओर मुड़ जाते हैं और खोज लाते हैं, तो दाता बनकर के जीते हैं, देने लायक हो जाते हैं। जागोरी सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया, मेडिटेशन का सूर्य हमको रोशन करने आया। प्यारे साकी मुर्शिद, कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, कहाँ चले गए हो, कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, मेरी सोई प्रीत जगा कर, मेरी सोई प्यास जगा कर, कहाँ छिपे हो। कहाँ छिपे हो आँख मिलाकर, मेरी सोई प्रीत जगा कर, बार बार मैं लूं अंगड़ाई, चैन गया रुनी नाई, बार बार मैं लूं अंगड़ाई, चैन गया रुनी नाई।
सुबह का पंछी भोर का पंछी देख जरा ओ दीवाने भोर का पंछी देख जरा क्या गीत सुनाने आया तेरा मुर्शिद आया तेरा प्यारा आया तेरा मालिक आया भोर का पंछी देख जरा किसी भी रूप में आ सकता है भोर का पंछी देख जरा क्या गीत सुनाने आया आज का सूर्य तो हम सबको रोशन करने आया हमको रोशन करने आया मेडिटेशन का मौसम हमको मस्त बनाने आया प्रकाशित करने आया खोदते जाना खुदाई डिगिंग भीतर की डिगिंग खोदते जाना गहनतम स्थिति की आभा में उसको छू लेने की दर्द दीवानगी में निरंतर बढ़ते चले जाना गहनतम आंत्यांतिक स्थिति जहां कोई डुअलिटी नहीं रहती माइंड नहीं रहता तब तक खोदते रहना खोजते रहना हो दीवाने तनिक मात्र भी रिटर्न रिजल्ट परिणाम की ओर मत देखना एक्सपेक्ट ना करना वरना वो साधना वो खोज वो तलाश नहीं होगी वो तेरा काम होगा काम कामना से ओतप्रोत होता है कर्म धर्म से ओतप्रोत होता है कितनी कृपा करुणा उसकी बरस रही है कितना ग्रेस बरस रहा है कि तुम्हारे द्वार पर मेडिटेशन उतर रहा है मेडिटेशन का मौसम तुमको मालिक बनाने आया तुम्हें प्रकाशित करने आया करनी आया प्रकाशित करनी आया रोशन करनी आया तुझको तुझसे मिलानी आया तेरा स्रोत जगानी आया तेरा स्रोत जगानी आया तेरी सुरती जगानी आया सौभाग्य जगानी सौभाग्य जगानी सौभाग्य जगानी जागो रे सोने वालों